हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं नॉलेज एक्सप्लोरर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 4 का OTG सपोर्ट के बारे में। क्या इसमें OTG सपोर्ट तो सभी को पता है, OTG सपोर्ट है, लेकिन इसमें क्या हार्ड डिस्क भी सपोर्ट करता है? तो चलिए आगे दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगा, जो इस चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं Redmi Note 4 का OTG सपोर्ट कैसा है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये तो सभी को पता है इसका स्पेसिफिकेशन, फिर भी जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ। इसमें फुल HD का डिस्प्ले दिया गया है, 2.5D का ग्लास ऊपर में लगा हुआ है, नॉर्मल ग्लास से थोड़ा बेटर है। और इसका जो कैमरा है, बैक कैमरा है, ये 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, डुअल टोन LED फ्लैश के साथ दिया गया है और इसमें फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी दिया गया है। सामने है 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो सेल्फी लेने के लिए ठीक ठाक है। और इसमें जो प्रोसेसर है, ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर है और इसमें एड्रीनो 506 का GPU लगा हुआ है। तो इसमें ठीक ठाक से गेम चल जाता है, कोई इशू नहीं है इसमें। और इसका जो सॉफ्टवेयर है, पहले तो मार्शमेलो से आया था, लेकिन अभी इसका एंड्रॉयड 7 का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल गया है। इसमें 3 वेरिएंट है, 2 GB 32 GB का, 3 GB 32 GB का और 4 GB 64 GB का, 3 वेरिएंट में आता है। और दोस्तों, आगे और नहीं बोलते हैं इसके बारे में, अभी शुरू करते हैं OTG सपोर्ट इसमें कैसा है। चलिए पहले हम OTG केबल ले लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें पहले ये मेरा 8 GB का पेन ड्राइव है, चलिए इसको कनेक्ट करके देखते हैं। इसमें आ रहा है यस एक्सप्लोरर। दोस्तों, ये सभी के लिए बता दूं, ये यस एक्सप्लोरर आप ज़रूर फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये OTG सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको शायद एक्सप्लोर नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पहले आप यस एक्सप्लोरर को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है, चलिए ओके करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे USB 2 आ गया है, इसमें क्लिक करते हैं, फोल्डर में जाते हैं, मूवीज़ मैंने पहले से लोड करके रखा था इसमें, और चला के देखते हैं इसमें। देखिए ये चालू हो गया, स्क्रॉल भी कर सकते हैं, बहुत इसमें स्मूथ है, वीडियो एकदम बिल्कुल स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, और दूसरा पेन ड्राइव लगा के देखते हैं इसमें, इसमें तो चल रहा है ठीक ठाक। सॉरी, इसको क्यों निकाला, इसको हम निकाल देते हैं। ये मेरा 16 GB का पेन ड्राइव है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे भी आ गया। इसको एक्सप्लोर करते हैं, मूवीज डाला हुआ है, देखिए ये चालू हो गया, वीडियो बड़ा ही स्मूथ है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, और देखते हैं इसमें पेन ड्राइव तो सपोर्ट करता ही है, इसमें आप देखते हैं क्या इसमें हार्ड डिस्क भी सपोर्ट करता है। चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं ये भी।
ये मेरा एक्सटर्नल 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो ये लगा देता हूँ OTG केबल में। देख पा रहे हैं इसमें लाइट जल गया है। चलिए ये डिटेक्ट भी हो गया है, क्लिक करते हैं। देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई भी इशू नहीं है इसमें, बराबर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया आ रहा है पिक्चर, कोई इशू नहीं है, बहुत स्मूथ चल रहा है। दोस्तों ये था आपको, दोस्तों शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।